हाय, आई एम अमिताभ पालिस, सोशल साइंस टीचर, डेप्यूटी पब्लिक स्कूल बिहार शरीफ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर 1, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से मनुष्य के मन में जिज्ञासा रही है कि पृथ्वी का शेप या आकार जो है कैसा है। शुरू में लोगों को मालूम नहीं था कि पृथ्वी का आकार कैसा है, लेकिन बाद में उनको पता चला कि पृथ्वी का आकार जो है गोलाकार है। शुरुआत में लोग यह समझते थे कि पृथ्वी का आकार जो है वह फ्लैट है, जैसा कि एक टेबल होता है। टेबल, जिस प्रकार से टेबल का एक अर्थ होता है, किनारा होता है और जहाँ से आप आगे नहीं चल सकते, उसी प्रकार से वो समझते थे कि यह पृथ्वी के एक छोर में जाकर के हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं और यह अंत हो जाएगा। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि यह पृथ्वी जो है गोलाकार है और हम चलते जाएंगे और यह फिर उसका अंत नहीं होगा। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब होता क्या है? ग्लोब जो है वह स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ का, जिसके सरफेस पर मैप होता है। जैसे कि आप इस ग्लोब में देख रहे हैं कि यह देखने में गोल प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह ग्लोब जो है वास्तव में पूरी तरह से गोल नहीं है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है यानी कि नॉर्दर्न पोल का क्षेत्र है और जो साउदर्न पोल का क्षेत्र है वह कुछ फ्लैट है। इस प्रकार से जो पृथ्वी का जो आकार है वह पूरी तरह से गोल नहीं है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ग्लोब। अब हम ग्लोब का अध्ययन करेंगे और इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ग्लोब पर हम किसी स्थान को कैसे लोकेट करते हैं। मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर जो है कोई स्थान को लोग ले लेते हैं, कोई स्थान ले लेते हैं। मान लीजिए कि ये है एक स्थान। अब ये स्थान जो है इस स्फेयर में कहां पर है ये बताना हमें मुश्किल होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि यह स्थान कहाँ है तो हम बता नहीं सकते, लेकिन जब हम यहाँ पर बीचों बीच में एक रेखा खींच देते हैं तब हम बता सकते हैं कि यह इस स्फेयर में ऊपरी आधे भाग में अवस्थित है। यह स्थान जो है इस स्फेयर के ऊपरी आधे भाग में अवस्थित है। उसी प्रकार से अगर हम फिर और एक रेखा खींच देते हैं और उसके बाद इसका डायरेक्शन लिख देते हैं कि यह नॉर्थ है या साउथ है या ईस्ट है और यह वेस्ट डायरेक्शन है। अब हमें और भी अच्छी तरह से इस स्थान को बताने में मदद मिलता है। हम अब यह कह सकते हैं कि यह जो स्थान है वह इस स्फीयर के उत्तरी आधे भाग और पूर्वी आधे भाग पर अवस्थित है। इस प्रकार से ये जो काल्पनिक रेखा पृथ्वी पर किसी प्रकार के काल्पनिक रेखाएं मानी गई है जो हमें किसी भी स्थान को लोकेट करने में मदद करती है और इन्हीं रेखाओं को इसमें पृथ्वी बहुत सारी इस तरह की रेखाएं काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं और इन्हीं सारे रेखाओं को हम लोग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मानते हैं। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं या मानी गई हैं, काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, उससे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं और नॉर्थ से साउथ की तरफ जो रेखाएं खींची गई हैं, सेमी सर्कल खींची गई हैं या मानी गई हैं, उससे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इस प्रकार से
आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्सिस के बारे में। एक्सिस क्या है? एक्सिस जो है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पृथ्वी है। मान लीजिए कि यह पृथ्वी है और यहाँ पर जो है बीचों बीच में, ठीक इसके बीचों बीच में जो है एक रेखा गुजरती है और इस रेखा के सहारे पृथ्वी जो है वो रोटेट करती है। तो जिस रेखा के सहारे पृथ्वी रोटेट करती है, यह एक इमेजिनरी लाइन है और इसी लाइन जो बीचों बीच से पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है उसे हम अक्ष कहते हैं या एक्सिस कहते हैं। अब ये एक्सिस में दो इन पॉइंट होते हैं। एक इन पॉइंट आपका नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और एक इन पॉइंट जो है आपका साउथ डायरेक्शन में होता है। जो इन पॉइंट नॉर्थ में होता है उससे हम नॉर्थ पोल कहते हैं और जो इन पॉइंट साउथ में होता है उससे हम साउथ पोल कहते हैं। उसके बाद बात आता है इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जो है वह पृथ्वी के बीचों बीच में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक या मानी गई एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में बीचों बीच से बांटती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर के बारे में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वह पृथ्वी के, अगर हम लोग इक्वेटर के नॉर्थ साइड के पृथ्वी के भाग को लें तो ये पूरा जो आधा भाग है वह आधा भाग जो है वह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहलाता है और इस इक्वेटर के अगर दक्षिण का भाग लें, आधा भाग लें, तो वह भाग कहलाता है साउथर्न हेमिस्फीयर। इस प्रकार से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर आप समझ गए हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स किससे कहते हैं, इसको डिफाइन कैसे करते हैं उसके बारे में। लैटिट्यूड जो है वह इमेजिनरी लाइन होते हैं जो कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, ये पूरे ग्लोब में होते हैं। तो हम इसको इंग्लिश में इस तरह से कह सकते हैं, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस दैट रन ईस्ट वेस्ट अक्रॉस द ग्लोब। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पैरेलल्स। जो लैटिट्यूड्स हैं उससे हम लोग पैरेलल्स भी कहते हैं। तो ये पैरेलल्स जो है या लैटिट्यूड्स हैं उनके कुछ फीचर होते हैं, विशेषताएं होती हैं। इन सारी विशेषताओं को हम लोग अब पढ़ेंगे। पहला जो विशेषता है वह है कि इनकी संख्या जो है, पैरेलल्स की संख्या जो है वह 180 होती है। 0 डिग्री लैटिट्यूड के साउदर्न भाग में 90 या 90 पैनल्स होते हैं और 0 डिग्री लैटिट्यूड के नॉर्दर्न भाग में 90 पैनल्स होते हैं। इस प्रकार से समग्र कुल मिलाकर के 180 या 180 पैनल्स होते हैं। दूसरा जो विशेषता है वह है पैनल्स आर सर्किल्स। जो पैनल्स होते हैं वो गोलाकार रेखाएं होती हैं या गोल सर्किल्स होती हैं, वृत्ताकार होती हैं। और तीसरा जो विशेषता है वह है ऑल पैनल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस। जितने भी पैनल होते हैं, जैसे कि 0 डिग्री के बाद 1 डिग्री साउथ, 1 डिग्री 2 डिग्री साउथ, तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जितने भी पैनल्स होंगे वह उनका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा, ये इसकी विशेषता होगी। उसके बाद चौथा जो विशेषता है वह है
length of the parallels keep decreasing towards fall, यानी कि पैरल्स का जो लेंथ है, जो लंबाई है, वह फॉल्स की तरफ घटते चला जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 0 डिग्री पैरल है वह सबसे बड़ा रेखा प्रतीत होता है, उसके बाद जो है नीचे जितने भी रेखाएं होती है वो घटते क्रम में घटती चली जाती है और कोण भी जाकर के एक बिंदु के रूप में 90 डिग्री में दिखाई देता है। उसके बाद जो पांचवा विशेषता है वह है पैरल्स रिड्यूस टू अ पॉइंट एट द पोल्स, यानी कि पोल्स में चाहे वह साउथ पोल हो या नॉर्थ पोल हो, दोनों में जो पैरल्स हैं वो पॉइंट में रिड्यूस हो जाते हैं या बिंदु में बिंदु की तरह होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पैरल्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट पैरल्स कौन कौन होते हैं? हमारे पृथ्वी पर जितने भी पैरल्स हैं उनमें कुछ पैरल्स को महत्वपूर्ण माना गया है, और ये पैरल्स जो है कौन कौन है इसे हम लोग जानेंगे। जैसे कि सबसे पहला जो पैरल है, जो इम्पॉर्टेंट पैरल है, वह है इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वह महत्वपूर्ण पैरल है क्योंकि यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देता है, इक्वल हाफ में बांट देता है। उसके बाद जो है दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पैरल है वह है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और तीसरा जो है वह है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, चौथा जो है अंटार्कटिक सर्किल, और पांचवा जो है वह आर्कटिक सर्किल। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये 5 जो पैरल्स हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट पैरल्स हैं। जो इक्वेटर है वह 0 डिग्री है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मान है वह 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है, और आर्कटिक सर्किल का मान है 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का मान है 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्किल का मान है 66.5 डिग्री साउथ। इस प्रकार से आप इम्पॉर्टेंट पैरल्स के बारे में समझ गए।